शरद पवार ने सोनिया गांधी से बगावत करके एनसीपी बनाई थी। भतीजे अजीत पवार ने बगावत करके एनसीपी छीन ली। अब पवार के पास रह गई है शरद चंद पवार नाम की पार्टी। अब अजीत पवार ने पवार से उनका सबसे बड़ा गढ़ बारामती भी छीनने की तैयारी की है। पहले जो चर्चा थी उसकी अब पिक्चर आ गई है। सब ठीक रहा तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी की उम्मीदवार होंगी। सुनेत्रा पवार न तो राजनीति में है न चुनाव में उतरने का ऐलान हुआ है। अभी वो रथ पर सवार नहीं है लेकिन एनसीपी की घड़ी और फोटो लगाकर रथ बारामती के प्रचार में लगी हुई है। सुनेत्रा पवार का रथ बारामती को बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के शिंदे बीजेपी अजीत पवार वाली सरकार क्या क्या बढ़िया काम कर रही है। सुनेत्रा पवार राजनीति में नहीं है लेकिन सामाजिक कामों में एक्टिव रहती हैं। इन्वायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया नाम का एनजीओ चलाती हैं जिसका हेडक्वार्टर बारामती में है। सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी है, शरद पवार की बहू लगती है, सुप्रिया सुले की भाभी लगती है। सुप्रिया अजीत पवार की चचेरी बहन है। सुप्रिया सुले 2019 में बारामती से एनसीपी के टिकट पर सांसद का चुनाव जीती थीं, लेकिन हो सकता है कि बारामती के राजनीतिक वर्चस्व के लिए इस बार ननद भाभी में चुनावी मुकाबला भी देखने को मिले। वैसे एक चर्चा ये भी हो रही है कि सुनेत्रा पवार नहीं तो अजीत पवार अपने बेटे पार्थ पवार को बारामती में उतार सकते हैं। 2019 में अजीत पवार ने बेटे पार्थ पवार को मावला से लोकसभा चुनाव में लॉन्च किया था लेकिन लॉन्च होते ही पार्थ फेल हुए, शिवसेना के हाथों करारी हार हुई थी। कहा जाता है कि तब शरद पवार के मना करने के बाद भी अजीत पवार ने पार्थ को मावल से चुनाव लड़ाया था। कहा यह भी जाता है कि पार्थ को लेकर एक अजीत और शरद पवार की तनातनी शुरू हुई थी जो आज यहां तक आ पहुंची है। बारामती में अजीत पवार ने कैंपेन शुरू किया है, वो सुप्रिया सुले के खिलाफ जमकर बोलते हैं। बारामती को भरोसा दिलाते हैं कि जो भी उम्मीदवार होगा वो कम से कम 4 से 5 बार सांसद रहे। इतना तक इशारा कर चुके हैं कि अब की बार चुनाव जो लड़ेगा उसका पहला चुनाव होगा। अब अजीत पवार तय करेंगे कि वो पत्नी सुनेत्रा को लाते हैं या बेटे पार्थ की रीलॉन्चिंग करते हैं। सुनेत्रा पवार का नाम अजीत पवार के करीबी वीर धवल जगदाले ने उछाला था। जगदाले ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को चिट्ठी लिखकर प्रस्ताव दिया था कि सुनेत्रा को बारामती से चुनाव लड़ाना चाहिए, लेकिन बाद में सुनेत्रा को लोकसभा का भावी प्रत्याशी घोषित करने वाले बैनर पर किसी ने पुणे के स्याही फेंक दिया था। पुणे में बारामती लोकसभा सीट पर शरद पवार ने पहली बार 1984 में लड़ा था। 1991 में अजीत पवार भी लड़े। 1996 से 2004 तक लगातार 4 चुनाव जीतने के बाद शरद पवार ने 2009 में बारामती सीट बेटे सुप्रिया सुले के लिए छोड़ दी, खुद माढ़ा से चुनाव लड़ने लगे। सुप्रिया सुले की बारामती से 3 चुनाव जीत चुकी हैं सुप्रिया सुले, लेकिन चौथा चुनाव चैलेंजिंग होने वाला है। पवार खुद शायद ही चुनाव लड़े। बारामती में पवार का पावर खत्म करना बीजेपी का भी मकसद है। बारामती वो सीट है जिसे कभी जीत नहीं पाई है। बारामती जीतने का जिम्मा निर्मला सीतारमण को दिया हुआ है। यह संभव है कि सीट शेयरिंग में ये भी सीट अजीत पवार के कोटे में जाए, लेकिन शर्त ये है कि उन्होंने जीतने का गारंटी देनी होगी। और जीत की गारंटी तभी होगी जब पवार परिवार में से कोई चुनाव में उतरे। अजीत पवार को देखना है कि एक सीट के लिए उन्हें पवार वर्सेज पवार करना है या फिर नहीं। ये सब लोकसभा चुनाव के जब उम्मीदवार के फैसले होंगे, सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी में बातचीत होगी, तब ये सारी बातें निकलकर सामने आएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।